जाते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं करने वाली हूँ ब्लैक कलर चैलेंज। जैसा कि आप मुझे देख सकते हो, ब्लैक कलर के कपड़ों में हूँ मैं। तो कैसी लग रही हो बताना। अरे दादी, बाल तो खाली कर लेती, काला चैलेंज कर लियो तो पूरी तो खाली हो जाती। जैसे पूछा मैंने, चुप, इसके ऊपर ध्यान मत देना, ठीक है। ये मेरा पोता बनता है मेरी रील्स में, तो इसको मैं ना दादी के गेटअप में अच्छी रखती हूँ। नारी का सौंदर्य उसके बालों से ही तो होता है ना। अब ठीक है, अब ये तो आपको पता है कौन से हैं, पर मैं जो कर रही हूँ अपने आप मेरे खुद के भी आ जाएंगे। तो चलो, आपके चक्कर में ना लेट हो गई आ रही हूँ ब्रेकफास्ट करने में। मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है 8 बजे तक, 7:30 से 8 के बीच में। आज 10 बज चुके हैं, मैंने अभी तक, मैंने कहा खा जाऊंगी तो आपको क्या दिखाऊंगी, रेडी भी तो होना था मुझे। तो जल्दी से हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, छोटी सी रेसिपी है वो भी देख लेते हैं। सिर्फ इस ब्लैक चैलेंज के लिए ना मैं ब्लैक राइस मंगाया है, तो ब्लैक राइस डालेंगे 2 चम्मच और 1 चम्मच डलेगी उड़द की दाल, और स्मॉल टीस्पून मेथी दाना डाल देना और इसको 4-5 घंटे के लिए भिगो देना। फिर अच्छे से पीस करके इसको साइड में रख देना रात भर के लिए फर्मेंट होने के लिए। अगले दिन फर्मेंट होने के बाद इतना बढ़िया क्रिस्पी डोसा बनेगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को खाने में। मैंने भी पहली बार खाया ब्लैक राइस का डोसा और मुझे तो बड़ा टेस्टी लगा। आप लोग भी बनाना और घर वालों को भी खिलाना। तो मैंने मेरा बना लिया है, और मैंने ना मैंने बहुत छोटे छोटे बनाए भाई। ये है काले काले क्या काले ब्लैक राइस, हाँ ब्लैक राइस के डोसे, 2 छोटे छोटे। मेरे से टूट जाते हैं ये वाले, इसलिए मैंने छोटे छोटे बनाए। दूसरे वाले तो अच्छे बनते हैं बड़े। हाँ, तो ये वाला राइस क्या है, इसको बहुत टाइम लगता है फर्मेंट होने में भी, लेकिन फिर भी फर्मेंट हो गया। चलो खा के बताती हूँ कैसा है ना। मीठा और मीठा के पापा तो खा गए, पर ये फर्मेंट बहुत अच्छे से हो गया। अच्छा है, नॉर्मल डोसे जैसा है, कुछ खास फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये नेचुरली ब्लैक इन कलर है इसलिए ये अच्छा है। वैसे भी मैं कम ही खाती हूँ, मेरा वजन ज्यादा दिखता है लेकिन मैं खाती कम ही हूँ, ठीक है। तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ इसके बाद और कुछ खाऊंगी। इसके बाद सीधा अब मिड मॉर्निंग स्नैक करेंगे, बताऊंगी क्या। तो ये तो अच्छा लगा, इसकी रेसिपी भी अच्छी लगी, तो बनाना और बच्चों को जरूर खिलाना। और बैठी इसलिए हूँ क्योंकि मैं मिड मॉर्निंग का वेट कर रही हूँ। ऐसे गप 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 तो नहीं खा सकती ना सब कुछ एक साथ 1 घंटे बाद खाऊंगी। तो एक चीज और है यहाँ पे मैं बोलना चाह रही हूँ, मैं ब्लैक चैलेंज कर रही हूँ, मैं और भी चैलेंजेस करूंगी, कलर चैलेंजेस, अगर आप मेरे इस चैलेंज को थोड़ा सा भी सक्सेस दोगे तो। और मुझे ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नेक्स्ट कौन सा कलर का चैलेंज करूँ मैं, जो कि हेल्दी फूड से रिलेटेड हो। जंक फूड तो मैं डेफिनेटली इसमें नहीं डालने वाली, कोशिश की है मैंने कि नहीं डालू, बिल्कुल भी नहीं डालू। पहले मुझे लगा था कि यार कैसे होगा, कैसे करूंगी, सब लोग तो डालते हैं, जाते हैं, केक खाते हैं, नूडल्स मंगा लेते हैं। मैंने भी मंगाए थे ना, आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में। तो मैंने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं करेंगे अपन, कोशिश करेंगे कि है ना सब हेल्दी फूड बनाया, ताकि जितनी भी माएँ मेरी ब्लॉग्स देख रही है ना, ये चैलेंज देख रही है। तो चैलेंज क्या होता है यार, चैलेंज तो यही है ना कि आप उसको थोड़ा सा तो चैलेंजिंग रखो। अगर ये चैलेंजिंग नहीं होगा तो मैं जाऊंगी केक की शॉप पे, ब्लैक करंट ले आऊं। कह रही यार इस लाइट को क्या हो गया अचानक से। चार्जिंग चार्जिंग लगेगी इसको, ठीक है। तो जाऊंगी कुछ बाहर से खाना मंगा लूंगी, जैसा कि सब लोग करते हैं, अधिकतर ने यही किया हुआ है। पर मेरी कोशिश ये है कि मैं सारा का सारा खाना घर पे बनाऊं और आप लोगों को भी बताऊं कि ये इतना भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलो, अब जितनी भी देर बाद मैं खाऊंगी तब मैं वापस से आती हूँ, आपसे मिलती हूँ, इस लाइट को भी चार्ज कर लेती हूँ। मिड मॉर्निंग स्नैक ना बहुत ईजी है, बनाना तो है ही नहीं कुछ भी, खाना है बस, रखा है खा लो। ये रहा क्या, ये काले किशमिश, ये खजूर, बच्चों को तो पसंद आएंगे लेकिन ऐसे इतना नहीं खाऊंगी, ठीक है। तो ये मैं रात को क्या करती हूँ, गला के रख देती हूँ सारे नट्स, और इसमें ये रहे काले किशमिश और ये रहा खजूर, तो ये खा लेती हूँ मैं बस, और कुछ नहीं। कुकीज खाने से तो बेटर ही है ना, केक खाने से तो बेटर ही है, कभी कभी वो भी खानी है चीजें, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है ना। कौन कौन एग्री करता है मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स मेरा खाली रहता है, लिख भी दिया करो कुछ, ठीक है। मैं खा लेती हूँ फटाफट फटाफट। पता है काले किशमिश में ना बीज भी होते हैं, नॉर्मल किशमिश में बीज नहीं होते, इसको उगा सकते हो आपके गार्डन में, आपके गार्डन में उगा सकते हो, अच्छे वाले काले वाले अंगूर आएंगे। और आज इतनी तेज बारिश हो रही है, चलो एक राउंड काट के आते हैं नीचे सोसाइटी का, है ना, छतरी लेके, क्योंकि
कि साड़ी में मैं चल भी पाती हूँ कि नहीं, देखो कितना बड़ा बड़ा चैलेंज ले लेती हूँ मैं, है ना। चले चलो चाबी ले लो घर की, बहुत ज़्यादा डेयरिंग कर रही हूँ मैं, मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, पर चलो एक राउंड तो काट ही लेते हैं। बार बार चेक भी करना पड़ता है कि माइक सही है कि नहीं, पूरी साड़ी गिली हो गई नीचे से। हाँ, सोसाइटी के काका है, उनसे एक फ़ोटो खिंचवाया मैंने, साड़ी पूरी मेरी नीचे से गिली हो चुकी थी, पर फोटो अच्छा आया है ना। बोलते हैं मेरे को फ़ोटो खींचना नहीं आता, मैंने कहा यार ये बड़ी अजीब बात है कि फ़ोटो खींचना नहीं आता है। काका से फोटो तो खिंचा लिया, अब भूख भी लग रही है, कैमरा भी गंदा कर दिया काका ने, जरा साफ कर दो उसको। हाँ तो कैमरा सारा क्लीन करा, पता नहीं क्या हुआ, तो लाइट भी चार्ज हुई कि नहीं भगवान जाने, पर अब मुझे लग रही है भूख, तो मैं जल्दी से अपने लिए बना लेती हूँ लंच, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि ना एक पहले लाइट लगा लूँ फिर बात करती हूँ, क्योंकि क्या है बारिश का मौसम है ना, और प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ उजाला हो जाता है खत्म, मतलब सनलाइट नहीं दिखती, तो थोड़ा सा मेरे घर में उजाला नहीं रहता है जब सनलाइट नहीं होती, वैसे सनलाइट वाले दिन में भी नहीं रहता है इतना, क्योंकि मेरे यहाँ 12 बजे तक ही धूप आती है, 12 बजे बाद मेरे घर में धूप नहीं आती है, उस साइड धूप आती है। अच्छा एसी बंद हो गया क्या, है ना, कि चैलेंज चल रहा है मेरा, मेरे घर वालों को तो चल नहीं रहा है, तो मैंने उनके लिए बना करके ब्लैक ही बनाया, ऐसा नहीं है, पर मैंने क्या सुबह सुबह बनाया ना जल्दी जल्दी में, तो फटाफट से जो रेसिपी है वो 1 मिनट की रेसिपी है, 1 मिनट से भी कम की रेसिपी है, जल्दी से देख लो। अब बस मैं जा रही हूँ अपने लिए रोटी बनाने, रोटी बनाऊंगी काली, और अब लग रही है मुझे भूख, तो जल्दी से खा लेते हैं, पहले बना लेते फिर खा लेते। चलो प्रॉमिस किया था ना हेल्दी बताऊंगी, तो रात को एक कटोरी उड़द की दाल, एक मुट्ठी राजमा गला के रख दो, अगले दिन तेल में हींग जीरा और तेज पत्ता मोटी इलायची का छोंका लगा करके, उसमें एक कटोरी प्याज और लहसुन का पेस्ट, एक कटोरी टमाटो प्योरी मिक्स करके अच्छे से इसको उबाल लो, उसमें नमक मिर्च हल्दी डाल दो, बस इतने मसाले ले लेंगे, ज़बरदस्ती दाल मखनी मसाला लाने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी बॉईल की हुई दाल उसमें डाल दो, और बढ़िया कसूरी मेथी और मलाई डाल के बढ़िया सी हमारी दाल मखनी रेडी हो गई है। ये आटा है और ये बाजरे का आटा है, इसमें थोड़ी मैंने ये क्या बोलते हैं कलौंजी और काले तिल भी मिला दिए हैं, जैसे कि नॉर्मल ब्रेड में बनते हैं, थोड़ा सा नमक मिला दिया है, और अपने लिए एक रोटी बना लेती हूँ। सबकी रोटी बन चुकी है, सब लोग रोटी खा लेके जा चुके हैं, और मेरी रोटी वैसे भी मैं रोज़ अलग ही बनाती हूँ, तो ये ब्लैक तो नहीं बनेगी पर थोड़ी सी ग्रे बन जाएगी। भाई ब्लैक रोटी बनाना मतलब मैं दिन भर काले चावल तो नहीं खा सकती ना, तो मुझे ग्रेन्स भी अलग अलग खाने पड़ेंगे, इसलिए देख लो कलर देख रहे हो, बट थोड़ा सा ग्रेश कलर है, होता है सबको पता है, अब जिनको नहीं पता हो। अब इस रोटी को बनाने के ना बहुत सारे तरीके हैं, थोड़ा सा गर्म पानी से गूंथ के भी बना सकते हैं। हुआ ये कि मेरे मोबाइल में स्टोरेज खत्म हो गया था, तो क्या किया मैंने, दो रोटी का आटा बन गया था, मैं एक ही रोटी खाती हूँ, तो मैं बता देती हूँ कैसे बनाई। ऑल ट्रेडिशनल तरीका, ऐसे 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 करके इसको छाप दिया। मेरे मोबाइल में ना स्टोरेज बहुत जल्दी कम हो जाता है, इसको मैं रख रही हूँ, मैं इतना नहीं खाती, हम लोग स्टील की नहीं खाते, चलो कांच के बर्तन निकाल के रखने के लिए यहाँ जगह नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रही बिल्कुल भी नहीं है। तो जल्दी से ले लेते हैं ये काली माँ की दाल, क्या बोलते हैं भगवान जाने, हम क्या बोलते हैं, हम तो बोलते हैं दाल मखनी, है ना, ऐसा हमने दिल्ली से राजस्थान में ये सीखा है कि दाल मखनी होती है ये माँ की दाल, पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। थोड़ा सा घी डाल लेते हैं, और रोटी में बिना रोटी में बिना घी के नहीं खाती, ठीक है। चलो दिख क्यों रही है हरी, हरी क्यों दिख रही है ये, नहीं नहीं मैंने काली बनाई है, ठीक है काली है ये, पता नहीं क्यों हरी दिख रही है, वो क्या डाल दिया उसने, हल्दी डाली ना हल्दी, हाँ इसलिए करिए। सच्ची काली थी, देखा ना आपने, मैंने काली बनाई थी, ठीक है। अब मैं खा के बताती हूँ कैसी, मजाक नहीं कर रही, बहुत अच्छी है, और मैंने ना इसमें वो जो रेडीमेड मसाले आपने ना कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल बनाया बिल्कुल सिंपल, और तब भी बहुत अच्छी बनी, ओके। तो ना मेरा लंच हो गया है और अब बारी है डेजर्ट की, वैसे मैं ऐसी इंसान हूँ नहीं कि जिसको हर मील के बाद डेजर्ट लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मेरी वीडियो है और सबको लगती है डेजर्ट, तो मैं एक अच्छी सी प्यारी सी बहुत हेल्दी सी डेजर्ट यहाँ पे क्विकली 1 मिनट में बता देती हूँ, और कपड़े बदल के आ जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं दिन भर ऐसा नहीं रह सकती, हाँ हमें सिर दुख जाएगा मेरा इन सब में, ये मेरे नहीं है ना, क्योंकि जल्दी से चेंज कर लेते हैं। मीठा खाने का मन तो हमेशा होता रहता है, तो क्या खाए, आइसक्रीम खा ले, नहीं मेरे पास एक और आइडिया है,
चलो जल्दी से बना लेते हैं, हेल्दी ऑप्शन के अंदर भी आता है, 5 मिनट में बन जाता है। ओके, तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ये है रोस्टेड काले तिल, ये है गुड़, और ये है इलायची। इलायची, तिल, गिर गए। 5 मिनट लगते हैं इसको रोस्ट करने में, है ना। इसकी तिलपट्टी भी आप बना सकते हो, पर मैं बहुत ही आसान तरीका जो हर 5 दिन में बना लो। सब गिर जाता है यार मेरे से। और ये रेडी, क्या बनाएंगे हम इसके लड्डू। मुझे तो पता था इसका टेस्ट कैसा होता है, बस आपके लिए बना के बताया। और सच मानो कुछ चीज है ना, आप लोग सिर्फ पूजा में यूज करते हो, जैसे काले तिल, इसको पूजा में यूज करना बंद करो, इसको खाओ भी सही, समझे। काले तिल हो गया, नारियल हो गया, ऐसी चीजें हम लोग सिर्फ अधिकतर पूजा में यूज करते हैं। इनको खाना ना बहुत हेल्दी होता है, काले तिल वाइट तिल से ज्यादा हेल्दी है, और ये इतना डिलीशियस है मैं क्या बताऊं, बहुत टेस्टी है। और ये इतने छोटे साइज में क्यों बनाया मैंने, क्योंकि ये एक ही इनफ है, बड़े बना देंगे तो ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी। तो ऐसा होता है ना, अति सर्वत्र वर्जित है, जितनी जरूरत है उतना खाओ, बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है, बना के देखना, इतना इजी है, आज ही बनाओ लड्डू, बनाओ और खाओ। और मैं जा रही हूँ कपड़े बदलने, मैंने इस काले चैलेंज में 3 बार कपड़े बदले हैं, इतने ही है मेरे पास काले कपड़े। तो बस अब हमारा टी टाइम हो गया है, हम टी बनाएंगे। हर्बल शैम्पू की एक बुरी बात यह है कि उसको लगाने के बाद तेल नहीं निकलता बालों में से। कितना लगाऊं भाई मैं, कितना लगाऊं, तेल ही नहीं निकल रहा। और मैंने सोचा था कि आज वीडियो बना रही हूँ, अच्छे बाल रख के बनाऊंगी। हाँ ये देखो, ये दिख रहा है, ये अच्छे दिख रहे हैं। क्लियोपात्रा तो नहीं लग रही, लग रही हो तो बता देना। आई थैंक मी फॉर दिस बेवकूफी, आई थैंक मी। ओ इशू तो है भाई। हाँ ठीक है, ऑयल 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 से बेटर है कि मैंने सोचा कि यही पहन लो, ठीक है, काले रंग की गरिमा भी रह जाएगी, बाल तो धुले ही नहीं है, अब कल वापस दोबारा से शैम्पू करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम पीते हैं चाय और मिड इवनिंग स्नैक। लेट्स सी क्या खाते हैं मिड इवनिंग स्नैक में, ब्लैक में। यार पता है, ब्लैक फ्रूट या ब्लैक स्नैक ना, स्नैक बहुत महंगा आ रहा था, तो मैंने कहा चलो ब्लैक टी पी लेते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिए लेमन ग्रास, काली पत्ती, और बस इसको उबाल लेंगे एक गिलास में। उबाल के एक कटोरी में जरा सा, सॉरी मग में शहद डाल दिया, उसको उबाल के इसमें डाल देंगे, छान के नींबू निचोड़ देंगे, और नींबू निचोड़ के उसको पी लेंगे। चाय पत्ती तो काली थी, अब अगर ये ब्राउन बनी तो मेरा क्या कसूर। और इसकी एक USP बताती हूँ, मतलब इसका कि ये इस कलर की कैसी बने, क्योंकि ज़्यादा चाय पत्ती डालोगे ना तो एक्चुअली काली हो जाएगी, बहुत भयंकर काली, और वो अच्छी नहीं लगेगी। जितनी मैंने बताई ना, इतने से कप में उससे भी कम डालना, थोड़ी सी और उबालोगे ना तो और ज़्यादा हो जाएगी, बहुत अच्छी लगती है। पता है ये वाली चाय मैंने सबसे पहले कहाँ पी थी, जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी ना, तो हमारे ऑफिस में ना जो हमारे सर थे वो यही चाय पीते थे, तो हम सबको भी यही सर्व होती थी वहाँ, हमने ये बहुत पी, बहुत ज़्यादा मस्त मज़ा आ जाता है, पी लेते हैं फटाफट से। मेरा तो ना ब्लैक कलर चैलेंज चल रहा है, लेकिन ना मीका को लग रही है भूख, और मीका कह रही है कि मेरे को ना वो जो आपने ब्लैक वाले नूडल्स मंगाए थे वो बना दो। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं, मंगा ली तो बना ही देते हैं, तो बना लेती हूँ, मैं जा रही हूँ बना रही हूँ उसके लिए वाले नूडल्स। तो ये यही बन रहे हैं नूडल्स, ब्लैक कहाँ हो गए, तो फिर रेड हो गए, बताओ। इसलिए इसको मैं कंसीडर नहीं कर रही हूँ, तुम लोग इसको ब्लैक फूड में कंसीडर मत करना। ओ थैंक यू, मैं भी खा लेती हूँ यार, मन तो कर रहा है, खा लेती हूँ थोड़ा सा। अच्छा लगा मिर्ची, बहुत स्पाइसी है, तो खा पाएगी? मैं वो कच्चा खा लेता हूँ, कचौरी तो नहीं खा पाएगी, कच्चा वाला। ओके डिनर की तैयारी कर लेते हैं, और फिर नकली असली तो है ही ना, थोड़ी नकली लगेंगे। डिनर में मैं बना रही हूँ रागी का डोसा, जो झटपट बन जाता है फटाफट से, 3-4 घंटे इसको गलाना पड़ता है। रागी कैसी होती है बता देती हूँ, ये होती है रागी,
ठीक है, तो मुझे सिर्फ मेरे लिए बनाना है। ऑलरेडी बहुत सारा खाना रखा हुआ है, काला काला खाने के चक्कर में ना बहुत सारा खाना खा लिया भाई। अब ये जो ब्लैक कलर चैलेंज करते हैं ना यंगस्टर्स, इनको तो क्या है बाहर से खरीद के खा लेते हैं। अब हमारे जैसी मम्मियों को तो क्या है मैनेज करना है ना, फूड फेंकना थोड़े ना, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर के फूड में हम बना रहे हैं भाई एक डोसा और नमकीन रसम। मेरे हिसाब से 3 चम्मच रागी डाली, 1 चम्मच उड़द की दाल डाली और मैंने इसको गला दिया था। अब इसको अच्छे से वॉश करके इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं, अच्छे से पीसते हैं। इसको फर्मेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए कहते हैं इसको झटपट डोसा। पोपट हो गया, लाइट तो है ही नहीं, जब लाइट आएगी तब फटाफट से पीस के रखती हूँ। 5 मिनट के लिए लाइट आई, लकीली मैं किचन में थी और मैंने ना फटाफट से इसको ना ग्राइंड कर लिया, नहीं तो मेरा ये चैलेंज ना तो क्या 12-1 बजे तक भी चलता क्या? और इस पूरे चैलेंज में सिर्फ एक ही चीज़ है जो रेडीमेड यूज़ हो रही है, वो है ये रसम। रसम भी मैं अपने आप बना लेती हूँ, मुझे पता आता है मुझे, लेकिन मैंने कहा यार थोड़ा तो रिलैक्स करूँ ना मैं, हाँ नहीं तो मैं ये इसको मैं बस इसमें 1 गिलास पानी लिया है और इसको काट के इसमें घोल देंगे और चढ़ा देंगे, बॉईल आएगा, रसम रेडी। ये डल गया इसमें और ये चढ़ गया, ठीक है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए बस 1 गिलास पानी में इसको डाल दिया, बॉईल आएगा और ये बन जाएगा। थोड़ा सा नमक, ये बन गया मेरा डोसा रसम और ये सुबह की चटनी। तो मैं जब तक अपना ये डोसा रसम फिनिश करूँ ना, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि इसमें मैंने सारी की सारी हेल्दी रेसिपी बताई हैं, एक भी बेकार रेसिपी नहीं है, एक्सेप्ट दैट नूडल। हाँ वो खाते हैं बच्चे यार, उसमें क्या है। तो ये सब खा के, इतना हाईली प्रोटीन वाला इतना न्यूट्रिशियस खाना खा के किसकी बॉडी नहीं बनेगी, कौन शक्तिशाली नहीं बनेगा। बच्चों शक्तिमान बनना है तो अपनी मम्मी को बोलो ये सब बनाए और आंटी की वीडियो लाइक करो, ठीक है। और बच्चों की मम्मी हो मेरी वीडियो लाइक करो। मैं खाती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले चैलेंज में, जो कि आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा। प्लीज़ 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 लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ये डोसा पर तो मैं इसके बारे में तो क्या ही बोलूँ, मैं तो खाती ये तो बहुत खाती हूँ, मैं बहुत खाती हूँ, हर दूसरे दिन मैं ये खाती रहती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत फटाफट बन जाता है ना, इंस्टेंट बन जाता है, इसके लिए एक दिन पहले की प्रिपरेशन नहीं रखती। तो आप लोग जल्दी से मेरी वीडियो लाइक करो। अब आपसे मिलते हैं हम अगले चैलेंज में या ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।